विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सेक्शन ए में क्वेश्चन 15 तक के प्रॉब्लम को हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अब 16 से 20 तक के प्रॉब्लम को इस वीडियो में करते हैं। आइए, क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैरा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू फ्रेंड्स हु आर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हैड टू फिक्स द प्रॉब्लम्स इन देयर बाइक ड्यूरिंग द समर वेकेशन। व्हाइल द परचेसिंग द स्पेयर पार्ट्स एट द मशीनरी शॉप दे ऑब्जर्व ए मशीन पार्ट सिमिलर टू बोल्ट। They send the following image of that machine part to their engineering graphics teacher. Then the teacher explained everything about that part, which is called as stud. Class 12th engineering graphics के दो student अपनी bike में problem के लिए machinery shop से एक bolt जैसा दिखने वाला parts खरीदे, जिसकी image अपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स टीचर के पास भेजे। उन्होंने उस टीचर उस इमेज को लेकर के पूरा उनको समझाया और उसको बताया कि वो स्टड है। ये इस तरह का स्टड होता है, ये मेटल एंड होता है, ये नट एंड होता है, ये बीच में कॉलर होता है। इसकी लेंथ इक्वल टू डी होती है, इसकी लेंथ 2D+6 होती है, इसका डायमीटर 1.5D के इक्वल होता है, ठीक। और यह बोल्ट के तरह टाइट किया जाता है। यह एक टेम्पररी फास्टनर है और इसका नॉर्मली मतलब जहाँ पर चेंज करना होता है बॉडी स्ट्रक्चर को, वहीं पकड़ते हैं कि जिससे ये वाला मेटल एंड में टाइट हो जाए और ऊपर से नट, जैसे इसको इस नॉर्मली किसी मशीन में जहाँ पर नट को टाइट करके अलग से जगह या हेड के लिए जगह नहीं रहती वहाँ इसको यूज़ करते हैं कि बॉडी में एक होल टेपिंग कर लेते हैं जिसमें से एंड वाला सिरा को टाइट कर देते हैं और ये ऊपर में हमको नट टाइट करके फिक्सिंग के लिए काम आता है। अतः ये हेडलेस बोल्ट का भी काम इसको बोला जाता है, हेडलेस बोल्ट भी बोला जाता है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करते हैं। विच कैटेगरी डज द स्टड बिलोंग टू, यह टेम्पररी फास्टनर है। इसका आंसर 16 सी टेम्पररी फास्टनर, ये इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। स्टड इज हेडलेस बोल्ट, इसका 17 का आंसर इस तरह से लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। नेम द शेप ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ एवर फिगर, ये सेंट्रल पोर्शन में जो ये फिगर है इसको कॉलर बोलते हैं, कॉलर वेब कवर रॉड नहीं होगा, ये कॉलर बोलते हैं। तो 18 का अगर आंसर अगर इस तरह से लिखेंगे 18A कॉलर तो आपको एक नंबर मिलेगा। व्हाट इज द आउटर डायमीटर ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एवर फिगर व्हेन डी इज द डायमीटर ऑफ द स्टड, ठीक। अगर डी डायमीटर ऑफ स्टड है तो ये सेंटर पोर्शन का डायमीटर 1.5D होगा, अतः आपका आंसर होगा 19D 1.5D। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेटल एंड ऑफ ए स्टड विथ 20mm डायमीटर, ये मेटल एंड है तो ये इसका लेंथ इक्वल टू डी के इक्वल होता है। अगर डायमीटर 20mm है तो इसका लेंथ 20mm होगा, ऐसा 20C इसका आंसर होगा 20mm। सेक्शन बी में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल, 5 नंबर का है। अब इसको कैसे बनाते हैं इसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूं, साथ में स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वही आपको बना के दिखाता हूं। आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए ये प्रोसेस मैंने लिख दिया है, ठीक। अब कैसे बनाना है वो एक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ, ठीक। अब इस लाइन से ये एंगल 45 एंगल का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। इसको हम
सात यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा, आपको लेंथ बताया रहेगा। अगर 80 mm का है तो मैंने 80 mm का, तो 0 to 70 plus 10। अगर 80 mm का है तो आपने, आपको 0 to 70 plus 10 करेंगे तो 80। अगर 90 का रहता तो यहाँ पर आपको 0 to 80 तक ले जाना पड़ता, ठीक। तो मैंने जो स्केल बनाया है 80 mm ट्रू लेंथ के स्केल का आइसोमेट्रिक स्केल बनाया है, ठीक है। तो ये जो आपका है, जो 45 का है, ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ का 80 mm का ट्रू लेंथ मैंने बना दिया, इसमें मार्किंग कर दिया, ठीक। अब ये जो 70, ये 70 यहाँ है, ये 70 mm ए यहाँ है, यहाँ से लाइन खींच दिया 90 के कोण का, 90 डिग्री का बना दिया, और उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ किया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो लेंथ, ठीक। ये 30 डिग्री पर रहता है, 30 डिग्री बना दिया। अब क्या किया, ये जो ट्रू लेंथ है से ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में 70 का ये हो गया 60 पर, 50 पर, 40 पर, 30 पर, 20 पर, इस तरह से इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। और ये जो है 30 वाला, ये आइसो लेंथ है, यानी ये वाला 70 हो गया आइसो लेंथ, 60 आइसो लेंथ, 50 आइसो लेंथ, 40 आइसो लेंथ, 30 इस तरह के आइसो लेंथ हो गया। अब इसको स्केल का एक फॉर्म बना लीजिए कि जिससे आपको नापने में और तकलीफ ना हो। ये आइसो लेंथ है, और ये जो 0 to 10 है ये, और इसको मतलब अगर आपको 45 नापना है, कैसे नापेंगे, तो यहाँ से 0 to 40 ये ले लेंगे और यहाँ से 5 ले लेंगे, ठीक। तो ये इस तरह से नापने के लिए काम आता है। तो इस तरह से एक आइसोमेट्रिक स्केल ड्रा हो गया। आइए एक आइसोमेट्रिक का एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म, बेस इज 25 mm, एक्सियल लेंथ 55 mm, रेस्टिंग ऑन इट्स फेस विथ इट एक्सिस पैरेलल टू HP एंड BP बोथ, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंग, गिव ऑल द डायमेंशंस। इस पेंटागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे उसके पूरे स्टेप मैंने लिख दिया, ठीक। अगर आपको मेरी आवाज से या मेरे प्रोनाउंसिएशन से अगर समझ में ना आए तो साइड में स्टेप लिखे हुए हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग फिगर बनाएंगे जिसके पेंटागॉन 25 mm का, बेस एज बोला 25 का, तो 25 ये ट्रू लेंथ है लेकिन आपको ड्रॉ करना है आइसो लेंथ में, ठीक। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल से आप 25 mm का नाप करके आइसो लेंथ आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। अब इसका एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और इसको एक बॉक्स में कवर कर दीजिए, एक बॉक्स में कवर कर दीजिए, ठीक। ये हेल्पिंग फिगर हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो नॉर्मली आइसोमेट्रिक के बना पर 30 30, ये लेंथ 30 लेंगे, ये लेंथ 30 लेंगे और ये 90 का हमने एक्सिस बना लिए, ठीक। अब इस बॉक्स को, इस बॉक्स को जो ये बॉक्स आपको तैयार हुआ है, इसका डायमेंशन मेजर कर लीजिए और ये 55 लेंथ को आइसो लेंथ ले लीजिए और इस बॉक्स को एज इट इज बना लीजिए, ठीक। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आया ये मैंने बना लिया, इसके 25 आइसो लेंथ से ये खींच लिया, क्योंकि इसने क्या बोला है कि रेस्टिंग ऑन फेस विद द एक्सिस पैरेलल टू HP एंड BP। जब पैरेलल टू HP मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर इसका जो एक्सिस होगा, तो एक्सिस कौन सा होगा, एक एक्सिस आपका ऐसा होगा और एक एक्सिस ऐसा होगा, तो ऐसा वाला इसके पैरेलल हो गया, ऐसा वाला इसके पैरेलल हो गया, ठीक। तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, अब हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये 55 ट्रू लेंथ है, बट यहाँ ड्रॉ करेंगे हम आइसो लेंथ, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहा है। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते रहते हम तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम ट्रू लेंथ से बनाते हैं, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम
आइसोलेन से बनाते हैं। और आइसोलेन कहाँ से मेजर करेंगे आप? कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है आइसो लेंथ का, आइसो स्केल का, वहां से आप मेजर करेंगे। इस तरह से इस पेंटागॉन को इस बॉक्स से यहां पर आपको प्लेस कर देना है, जैसे यहां पर बना हुआ एज इट इज प्लेस कर दीजिए, फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए और पीछे वाला हिस्सा भी प्लेस कर दीजिए। पीछे ये देखिए, ये लाइन हम मिटा देंगे, जैसे ये वाला लाइन है पीछे का, ये और ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइन का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको हिडन लाइन में नहीं ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसने कहा है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूअर व्यूइंग, तो व्यूअर यहां से देख रहा है तभी आपको एक्सिस जो पैरेलल दिखेगा, ठीक। अगर ये व्यूअर अगर यहां की बजाय अगर इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल में बीपी में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। बट यहां एक्सिस पैरेलल टू एचपी एंड बीपी बोला है, अतः व्यूअर अगर यहां रहेगा तो ये एक्सिस पैरेलल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के पैरेलल हो गया। इस तरह से यह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का पेंटागन और प्रिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ओके, थैंक यू।